गाइस मेरे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इस तरह से आप भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, लिरिक्स वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। वन क्लिक में आप लोगों को यहाँ पे सिखाऊंगा किस तरह से आप वीडियो को एडिटिंग कर सकते हो। इस वीडियो को एडिटिंग करने के लिए हम लोग यूज करेंगे VN ऐप से आप वीडियो एडिटिंग करेंगे। तो चलते हैं डायरेक्ट वीडियो स्टार्ट करते हैं। इस तरह से वीडियो बनाना बहुत ही सिंपल है, आप लोगों को सिखाऊंगा वन क्लिक में आप कैसे इस वीडियो को एडिट कर सकते हो। तो चैनल पर नहीं हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करना। तो सबसे पहले अपने पहले स्टोर से यहाँ पे VN ऐप को इंस्टॉल करना। देन इंस्टॉल करने के बाद इसका इंटरफेस खुलने को इस तरह से दिखेगा जो मेरे स्क्रीन पे सिंपली देख सकते हो। उसके बाद यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। देन न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जितना मैं आज यूज करूंगा मटेरियल सिंपली मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ पे मिल जाएगा। सिंपली वहाँ से आप एक एक करके इसको डाउनलोड कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे फोटो पर क्लिक करना है। आप जिस भी फोटो को बनाना चाहते हो सिंपली उस फोटो को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पर क्लिक करना है। देन नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे ओरिजिनल पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे रेशियो को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद इतना हो जाने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पे मिला बीजी का ऑप्शन, सिंपली बीजी पर क्लिक करना है। देन आपको इमेज पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे स्क्रॉल करके एक फिंगर को आपको टच करके फोटो पर यहाँ पे थोड़ा सा नीचे कर देना। उसके बाद आप यहाँ पे जितना बदला रखना चाहते हो सिंपली उस टाइप से आप यहाँ आप अपना वीडियो में बदला रख सकते हो। देख सकते हो इस टाइप से आप अपना वीडियो में बदला एडिट रख सकते हो। उसके बाद इस वाले आइकन को आपको सिंपली नीचे कर देना है इस टाइप से। उसके बाद ओके पर क्लिक करना है। देन ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे प्लस पर क्लिक करना है। देन प्लस पर क्लिक करने के बाद वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना। उसके बाद आपको यहाँ पे साइड एक फोटो लेना है जो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सिंपली मिल जाएगा। वहाँ पे PNG फोटो मिल जाएगा। सिंपली उस PNG को आपको यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देख सकते हो इस टाइप से आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। टाइप से सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ब्लू आइकन सिंपली यहाँ पे इसको सेव करना है। देन सेव करने के बाद स्पॉट पर क्लिक करना है। स्पॉट पर क्लिक करने के बाद ये वीडियो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे सेव देख सकते हो। पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो यहाँ पे सेव हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे डन पर क्लिक करना है। डन पर क्लिक करने के बाद प्लस के आइकन पर फिर से क्लिक करना है। देन आपको यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फोटो लेना है। सिंपली उस फोटो को सेलेक्ट करना है जिस फोटो को सबसे पहले लिए थे। सिंपली उस फोटो को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे रेशियो को एडजस्ट कर लेना है। रेशियो को एडजस्ट करने के बाद आपको यहाँ पे फिर से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करने के बाद वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना। उसके बाद आपको जो वीडियो सेव की थी सिंपली वहाँ पे उसको आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। देन सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ मिल जाते फिट, सिंपली फिट पर क्लिक करना। फिट पर क्लिक करने के बाद आपको ये पूरी तरह से यहाँ पे स्क्रीन पे अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद आपको लास्ट वाले पार्ट को यहाँ पे रिमूव कर देना। इस वाले ट्विटर मार्क को आपको सिंपली यहाँ पे रिमूव कर देना है। तो रिमूव हो जाने के बाद आपको यहाँ पे सिंपली इस टाइप से आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मिल जाते हैं आपको इस वाले आइकन पर क्लिक करके यहाँ पे स्क्रॉल करना। उसके बाद आपको क्रोमा का एक ऑप्शन मिल जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो सिंपली इस टाइप से आपको यहाँ पे क्रोमा को आप पूरी तरह से यहाँ पे हटा देना। हटाना इंटेंसिटी को आपको जिस टाइप से आप रखना चाहते हो सिंपली उस टाइप से आप रख सकते हैं। देन ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे पूरी तरह से मेरा यहाँ पे वीडियो इतना बनकर रेडी हो चुका है। उसके बाद इस वाले आइकन पर क्लिक करना है। देन इस वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे जूम इन करके इस टाइप से आपको देख सकते हो। थोड़ा सा इस टाइप से आपको यहाँ पे जूम करना। जूम करने के बाद इस टाइप से आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे जूम इन करने के बाद यहाँ पे एडजस्ट कर देना है। एडजस्ट हो जाने के बाद देख सकते हो पूरी तरह से मेरे वीडियो में यहाँ पूरी तरह से यहाँ पे एडजस्ट हो चुका है। देख सकते हो मेरे वीडियो में पूरी तरह से एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे सारे मटेरियल अब यूज करेंगे बनाने के लिए। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करना है। वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक लगाएंगे म्यूजिक। सिंपली यहाँ पे इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मिल जाते ब्लेंड। सिंपली ब्लेंड पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रॉल करके स्क्रीन पर टैप करना है। देन स्क्रीन पर टैप करने के बाद ये यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ इसका ब्लैक पार्ट रिमूव हो जाएगा पूरी तरह से। उसके बाद यहाँ पे एडजस्ट करना है अकॉर्डिंग जिस टाइप से आप बनाना चाहते हो सिंपली उस टाइप से आप यहाँ पे एडजस्ट करना। देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। तो देख सकते हो पूरी तरह से मेरे यहाँ पे वीडियो में एडजस्ट हो चुका है। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्लस एंड वीडियो पर क्लिक करना है। देन क्लिक करने के बाद यहाँ पे फोटो पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे एक साइड ऑफ PNG लेना है। साइड ऑफ PNG लेने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप से आपको यहाँ पे फिल करना है। फिल करने के बाद आपको यहाँ पे देख सकते हो इस वाले आइकन को आपको नीचे पर ले आना है। इस टाइप से आपको ले आना। लाने के बाद ये पूरी तरह से यहाँ पे वीडियो के यहाँ पे पूरी बैकग्राउंड में चल जाएगा। वो देख सकते हो इस टाइप से आपको यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे इस तरह से अप्लाई करना। फिर से आपको प्लस आइकन पर क्लिक करना है। देन आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक लिरिक्स वीडियो को यहाँ पे लेंगे, सेलेक्ट करेंगे। देन लिरिक्स वीडियो को सेलेक्ट करने के बाद ब्लेंड पर क्लिक करना। फिर से आपको ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे पूरे ब्लैक पार्ट आपको यहाँ पे स्क्रीन से पूरी तरह से हट जाएगा। देख सकते हो इस टाइप से। उसके बाद यहाँ लिरिक्स वीडियो को ऐड करने के बाद इस वाले पार्ट को आपको पूरी लास्ट तक ले जाना है। इस टाइप से आपको यहाँ पे कुछ इस टाइप से आपको यहाँ पे पूरी स्क्रीन पे यहाँ पे अप्लाई जितना ड्यूरेशन का है फोटो वीडियो सिंपली उस ड्यूरेशन को आपको यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे अप्लाई कर देना है। देन अप्लाई करने के बाद आपको एडजस्ट करना है अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे देख सकते इस टाइप से यहाँ पे एडजस्ट करना है। थोड़ा सा यहाँ पे छोटा करके यहाँ पे एडजस्ट कर लेना अपने अकॉर्डिंग। आप जिस भी एडजस्ट करना चाहते हो जिस टाइप से आप एडजस्ट करना चाहते हो सिंपली उस टाइप से आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। देख सकते हो इस टाइप से यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हो।
अच्छा यहाँ पे कुछ और यहाँ पे एड्स लगाएंगे यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद फिर से प्लस का आइकन पर क्लिक करना, वीडियो एंड फोटो पर क्लिक करना। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक पार्टिकल लेंगे सिंपली, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सिंपली यहाँ पे पार्टिकल पर क्लिक करना, देन पार्टिकल पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे पूरी तरह से स्क्रीन पर इस टाइप से आपको अप्लाई कर देना दो फिंगर से। अप्लाई करने बाद यहाँ पे फिर से उसी ट्रिक को अप्लाई करना जो ब्लेंडिंग का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली ब्लेंड पर क्लिक करना। उसी ट्रिक को अप्लाई करने बाद यहाँ पे स्क्रीन क्लिक करना है। स्क्रीन पर क्लिक करने के बाद देख सकते हो पूरी तरह से मेरा वीडियो पर यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे पार्टिकल यहाँ पे लग चुका है। इस टाइप से यहाँ पे पार्टिकल लगा सकते हो। उसके बाद यहाँ पे हम लोग एक यहाँ पे इफेक्ट डालेंगे वीडियो में, यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे अच्छा लगने लगेगा दिखने। इस वाले फोटो पर क्लिक करना, देन इस वाले फोटो पर क्लिक करने बाद आपको यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल करना। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे मिल जाता है F1 से, सिंपली यहाँ पे उस पर क्लिक करना है। देन उस पर क्लिक करने बाद आपको इस वाले आइकन पर लेना, देख सकते हैं आपको फर्स्ट पे मिल जाते हैं ब्लैक, सिंपली ब्लैक पर क्लिक करना। ब्लैक क्लिक करने बाद यहाँ पे ओके पर क्लिक करना। ओके पर क्लिक करने बाद यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा यहाँ पे वीडियो बनकर रेडी हो चुका है। इस टाइप से आप भी वीडियो एडिटिंग कर सकते हो। वन क्लिक में आप इस टाइप से आप वीडियो को एडिट कर सकते हो। जो आपको यहाँ पे लास्ट पे अदर पार्ट रह जाएंगे सिंपली उसको आपको यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे रिमूव कर देना है। देख सकते हो यहाँ पे पूरी इस तरह से यहाँ पे रिमूव करके इसको लोगों को पूरी तरह से हटा सकते हो। देख सकते हो इस तरह से मेरा यहाँ पे वीडियो कुछ इस तरह से यहाँ पे बनकर रेडी हो चुका है। इस टाइप से आप भी वीडियो को वन क्लिक में एडिट कर सकते हो। उसको एक्सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ब्लू के आइकन पर क्लिक करना, देन आपको एक्सपोर्ट पर क्लिक करना है। आप जितना भी रेश्यो में सेव करना चाहते हो सिंपली उस टाइप से आप वीडियो को सेव कर सकते हो। देख सकते हो मेरा यहाँ पे स्क्रीन पे पूरी तरह से मेरा यहाँ पे वीडियो यहाँ सेविंग हो रहा है। यहाँ पे देख सकते हो सेव हो चुका है मेरा वीडियो। उसके बाद डन पर क्लिक करना।